बुरहानपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए हथियारों की तस्करी के मामले में दो बड़े आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से 30 लाख रुपए से अधिक की कीमत के 51 हथियार बरामद किए हैं। पुलिस द्वारा बरामद किए गए हथियारों में 45 पिस्टल और 2 रिवॉल्वर भी शामिल है। इस पूरे मामले में पुलिस ने 2 सिग्लिकरों को गिरफ्तार किया है। वे जल्द ही इस हथियारों की बड़ी खेप को दूसरे राज्यों में भेजने जा रहे थे। इसके तार खालिस्तान से भी जुड़ सकते हैं। कुछ दिनों पूर्व पुलिस द्वारा एक ऐसे ही आरोपी को गिरफ्तार किया गया था जो खालिस्तान समर्थकों को हथियार बेचता था। तो उसका अभी तक क्या होगा? पिछली बार फरवरी माह में, जनवरी फरवरी माह में हम लोगों ने एक 22 कट्टे पकड़े थे, जिसके अंदर एक तो निहंग सिंह सिकलीघर को पकड़ा था और उसके बाद में एक आसन जो उसका साथी था उसको पकड़ा था। ये चीज़ें आ रही थी कि उसके जो है वो कनेक्शंस जो खालिस्तान ग्रुप जो है वहाँ पर पंजाब में एक्टिव उनके साथ में है, तो उसके लिए जो उसका सोशल मीडिया प्रोफाइल है उसके बारे में उसका लॉक खोलने के लिए उसकी जानकारी लेने के लिए हम लोगों ने मेल से पत्राचार किया हुआ है। अभी तक उसकी जानकारी नहीं आई है। जैसे ही जानकारी आएगी उसके बाद में उसमें धाराएं बढ़कर और उसकी गिरफ्तारी करके वापस उसको जेल भेजेंगे। यहाँ पाया गया तो क्या ऐसा लगता है ना कि इनको ध्वस्त करने के लिए जॉइंट वेंचर बनाने की जरूरत है क्योंकि वो आपके निर्माण रेंज में है? देखिए क्या है कि सिकलीघर जैसे मैंने पहले भी हम लोगों ने उसके ऊपर एक डॉक्यूमेंट भी बना के सरकार को भेजा है, आगे हमारे अधिकारियों के थ्रू भेजा हुआ है। तो अगर सिकलीघर देखेंगे तो खास करके बुरहानपुर बड़वानी और जो थोड़ा वो हिस्सा धारका और खरगोन में पाए जाते हैं और वहाँ पर ये बड़ी मात्रा में अवैध हथियारों का सप्लाई वगैरह करते हैं। अब क्योंकि ये अलग अलग पॉकेट में बसे हुए हैं, अगर खास करके इन सभी में देखा जाए तो पचोरी एक ऐसा गाँव है जो जंगल के पास में है, वहाँ पर जाने के लिए भी लगभग पूरा के पूरा एक आजू बाजू में कोई बस्ती नहीं है और दूरस्थ एरिया है। तो जॉइंट अगर वेंचर करेंगे भी तो क्योंकि ये स्कैटर्ड है, जंगलों के पास में बसे हुए हैं, तो उसकी एक अपनी तकनीकी समस्याएं हैं। तकनीकी समस्याएं हैं, फिजिकल टेरेन की प्रॉब्लम है, तो अलग अलग चीज़ों से, और साथ ही साथ ये सिर्फ यही समस्या नहीं है, एक सोशल प्रॉब्लम्स भी है, उसको गहराई तक जाके और सॉल्व करना रहेगा। मेरा ये मानना है कि हमें ये 2-प्रॉन्ग स्ट्रेटजी के साथ में काम करना पड़ेगा, जिसके अंदर अब जो हम लोग काम कर रहे हैं हमें पता है कि किन किन लोगों के ऊपर आपराधिक रिकॉर्ड है और कौन जो है इस अपराध के अंदर लगातार एक्टिव है, उनके ऊपर रेड करके उनको पकड़ के कार्यवाही करनी पड़ेगी, जेल भेजना पड़ेगा। पहले भी इसका कनेक्शन था तो ज़रूर उसके ऊपर कार्यवाही की जाएगी। इसके अंदर एक चीज़ देखने जैसी है कि जो दूसरा आरोपी है जिसको रिजवान करके था, रिजपाल करके था, ये पहले दिल्ली जेल में रह चुका है और इसने किडनी का डायलिसिस के नाम पे इसको बेल मिली थी और वहाँ से वो छूट के आया था और उसके बाद भी ये इस तरीके की आपराधिक चीज़ों में संलिप्तता है। तो क्योंकि ये पहले दिल्ली जेल में रह चुका है तो इसकी बेल कैंसिल करने के लिए भी हम लोग वहाँ पे अप्लाई करेंगे कि इस तरीके का इसका असर पाया गया है। और रिजपाल एक तो तेहर सिंह है और दूसरा रिजपाल है। तेहर सिंह की गिरफ्तारी करके आज हम लोग रिमांड उसकी खत्म हो रही है, आज तो उसको पेश कर रहे हैं कोर्ट में और रिजपाल जो है उसको हम लोगों ने क्योंकि इंडी के इश्यूज वगैरह भी थे तो उसको गिरफ्तार करके दे दिया। दोनों पर चोरी कहीं नहीं आ रही।